भी लंबा नहीं बोलने वाली, मैंने अपने कागज भी साइड पर रख दिए और मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी जो एज लॉयर मैं रोज कोर्ट में देखती हूँ और जो यहाँ मुझे लगा एक दर्द, एक टीस है जो भी भाई साहब ने भी अपनी बात कही उसमें, ये जो इकोसिस्टम है ना कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट का जो 1947 से चल रहा है, इसके कारण ये कहीं ना कहीं दिखते हैं कि सक्सेसफुल और सफल हो रहे हैं। इकोसिस्टम क्या है, हम लोग सब क्या है, एक ही काम में लग जाते हैं। अच्छा ये ऐसे कह रहे हैं, हम इनको देखते हैं, ये लोग जो काम करते हैं ना, क्योंकि मैं तो JNU की वकील भी हूँ तो अपने भाई बहनों से ज़्यादा तो इनके साथ ही रोज़ रहती हूँ सुबह से शाम तक, कल कोर्ट में भी इनके सामने ही खड़ी रहूँगी क्योंकि रोज़ केस करते हैं और रोज़ मैं सामने JNU की ओर से होती हूँ। ये लोग क्या करते हैं मैं बताती हूँ बहुत शॉर्ट में, कि अगर आज हमने एज JNU इंस्टीट्यूशन एक लॉ निकाला है कि हम JNU में कंपल्सरी अटेंडेंस करेंगे, क्यों, कि भैया मैक्सिमम लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है 25,000 रुपये महीना और तुम लोग पढ़ने के लिए क्लास में भी नहीं आते, चलो क्लास में आओ। हमने अगर आज रूल निकाला कि आपको कंपल्सरी अटेंडेंस है, आज आना है, तो रात को ही जो स्टूडेंट्स यूनियन है उनका प्रोटेस्ट लेटर आ जाएगा, हम प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं। रात होते होते और रात को 8 बजे के आसपास टीचर्स कूद जाएंगी, अच्छा स्टूडेंट्स यूनियन ने प्रोटेस्ट किया है, हम एज स्टूडेंट्स टीचर्स यूनियन हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। रातों रात इनकी पिटीशन बन जाती है, पूरा केस बन जाता है लगभग 50, 60, 70, 100 पेजेस का पूरा केस बनके, सुबह जो लोग हादिया केस में खड़े होते हैं, जो लोग ये ट्रिपल तलाक में खड़े होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, आप सब समझदार हैं, वो लॉयर्स आप खड़े हो जाते हैं, लॉयर्शिप इट्स अर्जेंट, आज ही सुना जाए केस, अर्जेंसी मेंशन करके सेम डे लंच से पहले केस लगवा लेते हैं, सेम डे। बाकी हुए केस लगते हैं 3 दिन में, इनका लगता है सेम डे। केस लगता है तो हमें एक कॉपी सर्व होती है कि मोनिका जी ऐसे से केस फाइल हुआ है, आप आइए। 1 बजे के आसपास केस लगा, हम लोग कोर्ट में गए, सामने जज साहब हैं, वहाँ वकील साहब खड़े हैं, यहाँ हम खड़े हैं, वो आर्ग्यूमेंट करना शुरू करते हैं। हम कहते हैं भाई कॉपी आपने अभी दी है, आप बात कम से कम 2 दिन दीजिए, हम इंस्ट्रक्शंस लेकर आएंगे। तो जज कहते हैं कि ठीक है आप इंस्ट्रक्शंस लेकर आइए, मैं कल दोबारा केस पोस्ट करती हूँ, जज साहब कहते हैं। हम जैसे ही लंच में अपनी चेम्बर में आते हैं, वायर स्क्वेंड स्क्रोल जितने भी इनके हैं ये पत्र ऑनलाइन, उन पे 5,000 वर्ड्स के आर्टिकल्स बने हुए आ जाते हैं नुपुर। और क्या आ जाते हैं, उनके वकील साहब ने ये बोला, उनकी पिटिशन ये रही, JNU तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया। ऐसा ही 4 दिन पहले अगर आपने न्यूज देखी हो, जज ने ऑर्डर कुछ और दिया है और रिपोर्टिंग कुछ और हुई है उसकी। तो ये जो आर्टिकल्स आते हैं ना, इन आर्टिकल को जो वायर में आएंगे, बाकी जगह आएंगे, लंच टाइम में आ जाएंगे, कब लिखे हैं गॉड नोज, इन्हीं आर्टिकल को 3 बजे 4 बजे के आसपास इनकी ट्विटर आर्मी आ जाती है। आप देखिए कितनी आर्मीज एक के बाद हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, कोई किसी के स्फीयर में नहीं आ रहा, इनकी ट्विटर आर्मी आ जाती है। ट्विटर आर्मी उस आर्टिकल को ट्रेंड करना शुरू कर देती है, वो वहाँ से वो को मियाँ खलीफा कौन कौन, कभी स्कूल नहीं गई होंगी, मुझे नहीं पता गई हैं कि नहीं गई हैं, वो उसके ऊपर रीट्वीट करने शुरू कर देती हैं एंड इट बिकम्स एन इंटरनेशनल न्यूज। छोटी से छोटी घटना है लेकिन बैटन रेस है, एक इनका स्टूडेंट्स यूनियन है, एक इनका टीचर्स यूनियन है, एक इनके ड्राफ्टिंग एडवोकेट्स है, वो बैटन पकड़ाते हैं आर्ग्यूइंग एडवोकेट्स को, वो पकड़ाते हैं ट्विटर आर्मी को, वो पकड़ाते हैं और आर्टिकल्स लिखने वालों को, वो आगे बैटन पकड़ाती है सेलिब्रिटीज को, इंडिया की स्वरा भास्कर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो पकड़ाती हैं आगे रिहाना मियां खलीफा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अल्टीमेटली इट बिकम्स इंटरनेशनल न्यूज। हर कोई अपने अपने स्फीयर का काम कर रहा है। स्लीपर सेल्स होते हैं ना, स्लीपर सेल्स टेररिस्ट के बारे में आपने सुना होगा, ऐसे ही स्लीपर सेल्स काम करते हैं। ऐसी कोई न्यूज नहीं है तो चुपचाप बैठकर जो लॉयर है वो अपना ड्राफ्टिंग करता रहेगा, दूसरा लॉयर है वो आर्ग्यूमेंट करता रहेगा, स्टूडेंट्स यूनियन अपना काम करते रहेंगी, लेकिन जैसे ही ऐसे मुद्दे आते हैं ये सब के सब एक हो जाते हैं। दिखते हैं कि ये 10 से 15 अलग अलग ग्रुप्स हैं पर सब के सब एक हो जाते हैं। ये सब एक ही काम नहीं करते,
सब आर्टिकल नहीं लिख रहे, सब टीवी पे नहीं आ रहे, सब ट्वीट नहीं कर रहे, सब सेलिब्रिटीज नहीं है, सब ड्राफ्ट नहीं कर रहे हैं, अपने अपने स्फीयर में 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल काम करते रहते हैं। इसलिए मेरा मानना है, जितना मैं इनको देखती हूँ और समझती हूँ, कि हमारे जिम्मे जो काम आया है हम उसको अच्छा कर लें। ऑफ इंडिया में नुपुर के जिम्मे आया है कि नुपुर अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, आप ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स देखिए दिल्ली दंगों पर, आई थिंक वाइडेस्ट कवरेज, सबसे अच्छी कवरेज ऑफ इंडिया की, और नुपुर का मैं एक आर्टिकल मिस नहीं करती हूँ। आप देखिए वो लिख रही है, वो 24 घंटे लिख रही है, उसको खाना नहीं मिलेगा चलेगा, वो लिखेगी, और आपने उसको लिखने से 4 दिन छोड़ दिया, ये बेचारी मर जाएगी। इसका खाना पीना लिखना है, इतने पैशन से हमें अपना अपना काम करना पड़ेगा। कपिल जी अपने काम में लगे हैं, वो अपने काम में लगे हैं ना, उनको टीवी पे आने की जरूरत नहीं है, उनको ट्विटर पे आने की जरूरत नहीं है। कपिल जी आप तो कोर्ट संभाल लो, जिसको जो काम मिला है वो ईश्वर प्रदत्त है, उस काम को संभाल लो। और पिछले 7 साल से जो नुपुर ने कहा, बिलीव मी, फर्क आया है। फर्क कैसे आया है, इफ आई कैन से सो ऑन रिकॉर्ड, कि पहले हम जब 7-8 साल पहले कोर्ट में खड़े होते थे और सामने से XYZ लॉयर्स आते थे, हादिया के लॉयर्स, यू नो रोहिंग्या के जो खड़े होते हैं वो लॉयर्स आते थे, जजेस भी, यस मिस्टर व्हाट, मतलब हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा एक रहता था। क्योंकि जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं ना, वो ऐसे ही लोगों के हाथ में अब तक थी। जब से न्यूट्रल लोग आ रहे हैं, जब से ऐसे लोग आ रहे हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, सिस्टम्स में भी न्यूट्रल लोग आ रहे हैं, फर्क पड़ा है। मुझे ध्यान है राम जन्मभूमि केस से पहले वहां आकर वकील साहब ने कहा था, जो उसके सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील थे, लॉर्डशिप्स में हैव दिस मैटर आफ्टर इलेक्शंस। जज साहब ने कहा इलेक्शन के बाद, इसे पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, रामलला पॉलिटिकल पार्टी है क्या, या सुन्नी वक्फ बोर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, या निर्मोही अखाड़ा पॉलिटिकल पार्टी, व्हाई आफ्टर इलेक्शंस। उनको लग रहा था कि शायद इलेक्शन के बाद वापस कांग्रेस पार्टी आ जाएगी, फिर राम जन्मभूमि का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाएगा, दसियों साल के लिए चला जाएगा। तो इसीलिए अब शुक्र है ऐसी पार्टी है जो देश के बारे में सोचती है, नेशन फर्स्ट के बारे में सोचती है, वरना यहां तो किताब छापनी ही एवरेस्ट चढ़ने बराबर हो जाता है। हमने क्या किया था, किताब ही तो छापी थी, ब्लूम्सबरी ने किताब छाप दी, पर सडनली ये पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया, इंटरनेशनल लेवल तक एक्टिव हो गया। अरे ऐसी किताब कैसे आ सकती है जो कहती है कि हिंदू मरे, जो कह सकती है एविडेंस के साथ कि मुस्लिम्स ने मारा, ऐसी किताब कैसे आ सकती है। हमने कहा डिबेट कर लो, डिस्कस कर लो, हम उन घरों में आपको लेके चलते हैं, उन विक्टिम्स के नाम बताते हैं कौन कौन मरा और कैसे कैसे मरा, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। क्योंकि इस्लामिस्ट और माओइस्ट फोर्सेस जिस दुनिया से आती हैं, वहां डेमोक्रेसी नहीं है, किसी भी अरब कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, किसी भी माओइस्ट कंट्री में डेमोक्रेसी, चाइना में देख लो नहीं है। तो इनको तो पता ही नहीं बेचारों को डेमोक्रेसी होता क्या है। इसलिए 2020 में जब ये CA के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने अपने सामने दो चीजें रख ली थी, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें राइट टू प्रोटेस्ट है एनीवेयर एंड एवरीवेयर। सड़कें जाम करेंगे, शहीन बाग जाम करेंगे, तो तिरंगे को हाथ में रखकर, डेमोक्रेसी का नाम लेकर और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम लेकर ये प्रोटेस्ट करते रहे। प्रोटेस्ट करते करते पहले यूनिवर्सिटी से शुरू हो गए, फिर औरतों को सामने किया, फिर उनको रेडिकलाइज किया शहीन बाग में, अल्टीमेटली जाफराबाद में जाकर जाम कर दिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी, राइट शुरू कर दिया। अमित शर्मा था ना, उसका इंटरव्यू लेने गए थे, उनकी वाइफ का, वो बिचारी उसकी वाइफ, आप उनसे मिले, इतनी यंग उनकी वाइफ है और हस्बैंड जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसका एक ही जुर्म था कि जो औरतें धरने पे जाफराबाद में बैठी हुई थी, उनके पास गया था कि शायद मीडिएशन हो जाए, शायद सुलह हो जाए। बुरके में से तलवार निकालकर यहां उसके अटैक किया गया, शुक्र है हेलमेट था। ऐसी ऐसी घटनाएं, रतन लाल को पत्थर मार दिए, गोली मार दी, किस किस का नाम आप लोगे, विनोद कुमार कश्यप का नाम लोगे, अल्लाह अकबर कह के भीड़ आई और मार दिया, मोनू बच गया, दिनेश कुमार खटीक का नाम लोगे, दूध लेने बच्चों के लिए गया था, उसकी वाइफ, दो बच्चे, 3 बच्चे हैं शायद ऐसे गोदी में बैठे हुए,
लगा कि कैसे क्या, जैसे कहा नुपुर में याद हो गए हैं इनके नाम और इनको भूलना नहीं। आज हम सबके इकट्ठे बैठने का मकसद है कि इनको भूलना नहीं है, क्योंकि 2020 में जो प्रयोग किया गया, सोची समझी साजिश की गई, वही रिपीट करने की कोशिश 2021 में की गई किसान आंदोलन के नाते। वैसे ही टूल किट, वैसे ही रिहाना, वैसे ही मियां खलीफा, वैसे ही सड़कें हाईवे जाम करना, वैसे ही क्या मोदी मरे, वैसे ही नारे सारे लगे, उसी टाइप से सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, सामने तिरंगा और कॉन्स्टिट्यूशन रखेंगे, 26 जनवरी को देश की ऐसी की तैसी कर देंगे, जब पूरी दुनिया देख रही है भारत का शौर्य। वही चीज अब 2022 में हिजाब प्रोटेस्ट में ला रहे हैं। मैं तो रोज हिजाब में जो कर्नाटका हाई कोर्ट की हियरिंग है मैं रोज देखती हूँ, एवरी डे एवरी लाइन ऑफ इट में देखती हूँ उसको। 2:30 बजे कर्नाटका हाई कोर्ट की हियरिंग शुरू होती है, लगभग 4:30 फिर 5 तक भी जाती है, 5 बजे तक जाती है एवरी डे। वहां पर होड़ लगी हुई है, होड़ क्या लगी हुई है, सीनियर एडवोकेट्स की, हजार हजार पेज की पिटिशन रातों रात कपिल जी तैयार हो जाती हैं, जजमेंट्स रातों रात तैयार हो जाती हैं, दे दी जाती हैं जजेस को। होड़ लगी है सीनियर एडवोकेट्स की, पहले मैं। और किस लिए खड़े हैं वो, लड़कियों को हिजाब में रखो इसलिए खड़े हैं। वो इसलिए नहीं खड़े हैं कि जो मुस्लिम महिला है उसको बुरके से आज़ादी दिलवाएं, 4 शादियों से आज़ादी दिलवाएं, उसको हलाला से आज़ादी दिलवाएं, उसको तलाक 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 3 महीने में कह दिया जाता है और तलाक कर दिया जाता है उससे आज़ादी दिलवाएं, नहीं। वो खड़े हैं बुरके में रहने दो, बुरका ना उठाओ इसलिए खड़े, और नाम वही ले रहे हैं, तिरंगा सामने होगा, हेड स्काफ करेंगे तो तिरंगे का करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन सामने रखेंगे, आर्टिकल 14 समानता की बात करेंगे, आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेंगे, और आर्टिकल 25, अरे 6, 7, 8, 10 साल के बच्चे बोलते हैं हमें तो संविधान ने ही राइट दी है। आप देखिए टेलीविजन पर 15-20 साल के, हमें संविधान ने राइट दी है कि हम बुरका पहने, फंडामेंटल राइट टू वियर बुरका, पढ़ाएं आर्टिकल 25 कभी, सबसे इंफीरियर राइट है। वो कहती है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मोरालिटी एंड सब्जेक्ट टू ऑल अदर राइट्स यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी आप समानता है आपके पास, सम्मान है आपके पास, डिग्निटी है आपके पास, सारी राइट्स है आपके पास, उसके पब्लिक ऑर्डर पब्लिक हेल्थ इसको नुकसान नहीं होगा तब आपके पास राइट टू फ्रीडम है। वो जब बुरके को हटा दिया है मुस्लिम कंट्रीज ने, कुरान में जिक्र नहीं है बुरके का, ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कहाँ से हो जाती है, लेकिन ये सब जानते हुए, अच्छा पढ़े लिखे लोग डिफेंड कर रहे हैं, अनपढ़ डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही इकोसिस्टम आ जाता है। तो आखिरी बात, हमारा जो झगड़ा है ना, ये आप देखिए अगर 2019 और 20 में ये प्रयोग हुआ था ना दिल्ली दंगों का, 2021 में किसान आंदोलन का, 2022 में हिजाब का आंदोलन का, और ये मान के चलिए ये आज कहा है कोर्ट्स ने कि इस पूरी हियरिंग को जो हिजाब की है वो इसी हफ्ते में समाप्त कर देंगे, और जिस तरह की पूरी बहस चल रही है 100% ऐसा लगता है कि तीनों जजेस जो हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के वो बोलने वाले हैं कि हिजाब इज नॉट एसेंशियल टू इस्लाम, यू डोंट हैव अ फंडामेंटल राइट टू वियर हिजाब। तो जो गवर्नमेंट ऑर्डर है कि यूनिफॉर्म पहननी चाहिए वो वैलिड है, ये तीनों चीज़ें आप मार्क कर दीजिए, ये तीनों चीज़ें लगता है ऑर्डर में आने वाली हैं। तो कोर्ट का रास्ता जब बंद होगा ना तो फिर सड़क का रास्ता खुल जाता है। हाथ में तिरंगा लेकर, तिरंगे का कपड़ा कहाँ जाता है, वो डंडा ही हाथ में रह जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, सोची समझी साजिश है, कभी आदमी औरत के नाम पर, कभी दलित ब्राह्मण के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर। सोनाल जी ने कहा था ना फॉल्ट लाइंस, दरारें हैं ना, उनको खाइयों में कन्वर्ट करना है, इस भारत देश को तोड़ने की साजिश है। क्योंकि जो 9 फरवरी 2016 को नारे लगे थे ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, केवल नारे नहीं थे, वो मानते हैं इस चीज को, भारत तेरे टुकड़े होंगे ये मानते हैं, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी ये मानते हैं। और हमने अपनी जो किताब है दिल्ली राइट्स द अनटोल्ड स्टोरी, पहले 3 चैप्टर्स में यही कहा है, हमने कहा है माओइस्ट के डॉक्यूमेंट्स देखिए,
ये लिखते हैं, चौड़े में लिखते हैं, छुपा के नहीं, वो लिखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वो लिखते हैं माओइस्ट ताकतें कि हमारा दुश्मन कौन है, दुश्मन है हिंदुत्व और भारत, वो लिखते हैं कि हमें करना क्या है, कि हमें फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस बनानी है, लॉयर्स की, जर्नलिस्ट की, प्रोफेसर्स की, एनजीओस खड़े करना है। मेथड क्या होगा, काम करेंगे कैसे, झुकी झोपड़ी में काम कीजिए, औरतों में काम कीजिए, माइनॉरिटीज में, क्रिश्चियंस में, मुस्लिम्स में काम कीजिए, ट्राइबल्स में काम कीजिए। उसके बाद करें क्या, चुपचाप उनके अच्छे अच्छे मुद्दे उठाते रहो, और जैसे कभी ऐसा मुद्दा आ जाए उनको देश के विरोध में कर दो। ये वो लिखते हैं, उनका घोषित तो घोषणा पत्र होता है ना, वो है। इसलिए हम सब सचेत रहे, क्योंकि 2024 में जब चुनाव है, इनको डर तो सोशल मीडिया नहीं, आप लोगों से लगता है, आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाते। आपकी जब उंगलियां चलती है ना, वो नुपुर की चलती है, तो 5 लाख लोग उसका ट्वीट पढ़ते हैं, तो वो उंगलियां कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ना मोदी सरकार को कंट्रोल कर पा रहे। वो बोलते हैं तलाक तलाक तलाक, मोदी सरकार बोलती है जेल जेल जेल, जेल में डाल देती है। वो बोलती है भारत तेरे टुकड़े होंगे, मोदी सरकार कहती है UAPA, तुम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में जेल के अंदर जाओगे, तुम पर सेडिशन का, राजद्रोह का लॉ लगेगा, तुम्हारी जितनी एनजीओस है, 13,000 से ऊपर एनजीओस का जो फॉरेन मनी आता था उसको लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। तो इतना इन पर दबिश हो चुकी है ना कि इनको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। तो इनका ये होता ना आखिरी लड़ाई चल रही है कि 2024 में किसी प्रकार से भी राष्ट्रवादी सरकार दोबारा ना आ जाए। इसलिए आज आपको हिजाब दिख रहा है, कल को कुछ और दिखेगा, परसों कुछ और दिखेगा, ये तो चलता रहेगा। हम क्या कर सकते हैं, आखिरी बात तो यही कर सकते हैं, इस पूरे इकोसिस्टम में हमारी जो भूमिका है हम उसको अच्छे से करते रहे। हम एज जिया हमें लगता है कि अवेयरनेस का काम होना चाहिए। तो इससे पिछले सैटरडे को, 4 दिन पहले, हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किया था, एक रिटायर्ड जज साहब को बुलाकर ऑनलाइन किया था। उसके एक सैटरडे पहले हमने हिजाब कॉन्ट्रोवर्सी पर किया था। हम लगातार कोशिश करते हैं इन मुद्दों पर लोगों को अवेयर करें। इसलिए ये बात कह के ख़त्म कि जो हमारा प्रयास हम करेंगे कि आज मैंने सूर्य से बस ज़रा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तम तमाकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं, आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। जय हिंद, जय जय।